हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुजरात के सूरत शहर का फेमस सूरती कोल्ड कोको। बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आने वाली ये रेसिपी आप 10 मिनट में बना सकते हैं। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक मैंने पतीले में थोड़ा सा पानी ऐड किया है और आधा लीटर दूध लेंगे। उसमें से 100 ml दूध निकाल कर अलग रख लेंगे। ये दूध जो है वो बिना उबला है और ये फुल क्रीम मिल्क है। हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे जो हमारे कोल्ड कोको को अच्छी सी थिकनेस देगा, और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिश्रण में कोई भी लम्स या गांठ ना रहे, उस तरह का हम स्मूथ मिक्सचर तैयार करेंगे और इसे अब हम साइड पर रख लेंगे। यहाँ पर जो 400 ml जो दूध बचा है उसे अब हम गरम करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने से तले में जो है वो दूध चिपकेगा नहीं, और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। एक उबाल आने पर हम 2 बड़े चम्मच शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर अब आपके स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, और 2 मिनट के लिए इसे उबलने देंगे। 2 मिनट के बाद गैस का फ्लेम लो करेंगे और हमने जो कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर का मिश्रण तैयार किया था उसे थोड़ा थोड़ा करके इस दूध में डालते जाएंगे। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। कॉर्नफ्लोर की वजह से कभी कभी इसमें गांठें पड़ जाती हैं, तो आप इसे लगातार चलाते रहिए और 3 मिनट तक हम इसे उबलने देंगे। 3 मिनट के बाद हम इसमें डार्क कंपाउंड ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर डार्क चॉकलेट का भी यूज कर सकते हैं या मिल्क कंपाउंड भी डाल सकते हैं। मैंने 70 ग्राम लिया है और इसे लगातार चलाते हुए उबलने देंगे। डार्क कंपाउंड अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसे उबालेंगे। मिक्सचर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है अच्छे से। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और अब हम इसे छानेंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, उस पर छन्नी रखेंगे और जो मिश्रण हमने तैयार किया था उसे हम छान लेंगे। मिश्रण को अच्छे से छानने के बाद इसे हम फ्रीज में रख देंगे। अच्छे से ठंडा करना है हमें इसे। करीबन 2 घंटे का टाइम लगेगा इस मिश्रण को ठंडा होने में और ये मिक्सचर एकदम थिक हो जाएगा। तो हम यहाँ इसे क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसे ग्राइंड करेंगे। 30 सेकंड के लिए आप इसे ग्राइंड कर लीजिए और ये देखिए हमारा जो क्रीमी कोल्ड कोको है वो बनकर तैयार है। अब हम इसे ग्लास में सर्व करेंगे। आप चाहें तो इस यमी कोल्ड कोको को ऐसे ही पी सकते हैं, पर यहाँ मैं थोड़ा सा इसे गार्निश कर रही हूँ। चॉकलेट को मैंने यहाँ ग्रेट करके ले लिया है, थोड़ा सा वो ऐड करेंगे इस कोको के ऊपर और काजू के टुकड़े। आप आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट भी यहाँ काट कर डाल सकते हैं और चोको चिप से इसे हल्का सा गार्निश कर लेंगे। गर्मियों के सीजन में ये ठंडा ठंडा कोल्ड कोको आप घर में आसानी से बना सकते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिए और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।